उज्जैन से करीब 15 किलोमीटर दूर सेवाधाम आश्रम में, जहां सैकड़ों की संख्या में वृद्ध, दिव्यांग और निशक्त लोगों को रखा जाता है और इन लोगों की सेवा कर संभाल की जाती है। वहीं इस सेवाधाम आश्रम में बड़ी संख्या में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मंत्री सहित तमाम प्रकार के उद्योगपति और बिजनेसमैन भी पहुँचते हैं। साथ ही इस सेवाधाम आश्रम में सैकड़ों की संख्या में गायों को भी रखा जाता है और गायों का दूध निकाल कर इस दूध का उपयोग किया जाता है। गौशाला संचालक सेवाधाम आश्रम संचालक सुधीर भाई गोयल का कहना है कि स्वस्थ रहने के लिए गायों का दूध बेहद ही उपयोगी माना जाता है, इसलिए गायों का सैकड़ों की संख्या में पालन किया जाता है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमारे घर में भोजन बनता है, सबसे पहली रोटी हम गौ माता के लिए निकालते हैं, है ना, श्वान के लिए निकालते हैं, अतिथि के लिए निकालते हैं, क्योंकि ये गौ माता हमारी रक्षक है, जीवन रक्षक है। ये हमारे जन्म के साथ इसका संबंध जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार माँ का दूध हमारे जीवन को नई ऊर्जा देता है, ये गौवंश भी हमारे जीवन को नई ऊर्जा ही नहीं देता है, जीवन के मार्ग को प्रशस्त करता है, अच्छी बुद्धि देता है, अच्छे संस्कार देता है। और ये माना जाता है कि गौवंश में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। भाई जी, करीब कितनी गाय यहाँ पर रखी जाती है? जिस घर में गौवंश को पूजा नहीं होती, गौवंश को मान्यता नहीं होती, वो घर घर नहीं है, वो प्रेत घर है। और हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।